नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। बैतूल गुमशुदा बच्ची को पुलिस ने एक घंटे के भीतर परिजनों से मिलवाया। खबर मध्य प्रदेश के बैतूल के मुलताई नगर के मंगलवार बाजार अंबेडकर वार्ड में बुधवार देर रात करीब 9:30 पर एक बच्ची अकेले ही घूमते हुए दिखाई दी। वहां मौजूद दीपांशु मानकर, नितेश सलामे, विजय पवार, कुलदीप भावसार, अनीश पठान आदि ने उसे अकेले घूमते देख उससे उसका नाम पूछा, लेकिन वह कुछ भी नहीं बता पा रही थी। जिसके बाद उसे लेकर वह सभी तत्काल पुलिस थाने पहुंचे, जहां थाना प्रभारी प्रज्ञा शर्मा, एसआई आम्रपाली डाहट, हेड कांस्टेबल पुष्पा धुर्वे आदि ने बच्ची के परिजनों को खोजने का प्रयास किया। उन्होंने फोटो शेयर की, जिसके बाद हमदर्द ग्रुप द्वारा बच्ची की फोटो शेयर की गई, जो पाठक हेमंत साहू द्वारा अपने मित्र अमन मालवी को भेजी गई। अमन ने फोटो देखकर तत्काल बच्ची को पहचान लिया और अपने पड़ोस में रहने वाली उसकी मां सविता सिरसाम को बच्ची के पुलिस थाने में होने की जानकारी दी। जिसके बाद अमन बच्ची के परिजनों को लेकर पुलिस थाने पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस को बताया कि यह उनकी 2.5 वर्षीय बच्ची है, जिसका नाम लक्षिता है। वह घर के सामने खेल रही थी, तभी अचानक से वह कब खेलते खेलते घर से दूर निकल गई, उन्हें पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद जब लक्षिता घर के सामने दिखाई नहीं दी तो उसे आसपास ढूंढा गया, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। तभी पड़ोसी अमन ने उन्हें जानकारी दी और अमन के साथ वे पुलिस थाने पहुंची। पुलिस द्वारा बच्ची और परिजनों के परिचय पत्रों की तस्दीक कर बच्ची को उसकी मां को सौंप दिया गया। बच्ची भी अपनी मां के पास पहुंचकर खुश नजर आई। हालांकि इस दौरान थाने में तैनात पुलिस कर्मियों द्वारा बच्ची के लिए ढेर सारी चॉकलेट, बिस्किट, चिप्स, कुरकुरे आदि ला दिए गए थे। बच्ची को सकुशल सुरक्षित वापस पाकर परिजनों द्वारा पुलिस का आभार व्यक्त किया गया। सिटी रिपोर्टर अविनाश तायवाड़े की रिपोर्ट।